नमस्कार, इनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। नई दिल्ली में आप लोकसभा चुनाव के लिए दोपहर 2 बजे के बाद जंतर मंतर से लॉन्च करेगी अपना कैंपेन। सूरत में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, तो वहीं दूसरी तरफ तुरंत मिली राहुल को जमानत। संसद में विपक्षी दलों की बैठक, 14 पार्टियां हुई शामिल, अदानी मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी सांसद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी। शिवसेना में टूट के लिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को ठहराया जिम्मेदार। तेलंगाना में भीषण बारिश से फसलें तबाह, सीएम केसीआर आज प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। देश की 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुए सभी सम्मानित। और शहर भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया नव वर्ष का स्वागत, गुड़ी पाड़वा के अवसर पर की गई विशेष रैली का आयोजन। टेस्ट ट्रैकिंग पर जोर, मास्क का होगा यूज, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा पर मोदी की हुई मीटिंग। और महाराष्ट्र के नागपुर में उत्साह के साथ मनाया गया नव वर्ष का स्वागत, गुड़ी पाड़वा के अवसर पर जगह जगह निकाली गई भव्य रैली।